कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को झांसी में एक संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने 8,500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। राहुल ने कहा, अग्निवीर योजना को हम फाड़कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए, अंबानी अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। रैली में अखिलेश ने कहा, किसानों की आय का सारा पैसा भाजपा की जेब में जा रहा है, सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया। हर बार जब परीक्षा हुई, पेपर लीक कर दिया गया, वैक्सीन का सच तो आप जानते ही होंगे।